सो हे गाइस, आज हम बनाने वाले हैं गेमिंग इंट्रो। तो भाई वीडियो को अंदर देखना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं भाई ब्लैक स्क्रीन। यहाँ पर आपको ब्लैक स्क्रीन ऐड कर देनी है काइन मास्टर में। इसके बाद में आपको टेम्पलेट ऐड करनी है और इस टेम्पलेट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो जाकर डाउनलोड कर लेना ईजिली। तो टेम्पलेट कुछ इस प्रकार की है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है कि जो टेम्पलेट है उसको आपको पूरी स्क्रीन में कवर करना है। तो सिंपल सा आपको कुछ इस प्रकार से बड़ा कर लेना है टेम्पलेट को। ओके, टेम्पलेट को बड़ा करने के बाद में सिंपल सा आपको नीचे की तरफ ऑप्शन मिलता है आपको ब्लेंडिंग का, सिंपल सा इस पर आना है और यहाँ से स्क्रीन कर देना है। फिर आपको राइट पे क्लिक करना है और कुछ इस प्रकार से आपकी टेम्पलेट प्ले होगी, आपको ये चेक कर लेना है। ओके, तो जहाँ पर आपको फ्लैश दिखती है, मतलब जहाँ इंट्रो का रिवल होता है, वहाँ पर भाई आपको लोगो लगाना है। तो सिंपल सा आपको लाइट फ्लैश, जहाँ भाई फ्लैश रिवल हो रही है वहाँ पर आपको अपना लोगो ऐड करना है। तो फिलहाल मैं अपना लोगो ऐड कर लेता हूँ जल्दी से। अब यहाँ पर भाई लोगो ऐड करने के साथ में यहाँ पर आपको क्या करना है कि लोगो के अंदर एक एनिमेशन देना है। अब एनिमेशन काफ़ी सारे हैं, तो यहाँ पर भाई आपको पॉप आउटवर्ड वाला जो ऑप्शन है वो आपको देना है, एनिमेशन देना है। इसके बाद में आपको इसकी सेकंड रखनी है 0.5। ओके, अब यहाँ पर सिंपल से रखने के बाद में इसको आपको 3 डॉट्स से भाई पीछे की तरफ कर देना है, सेंड टू बैक कर देना है। अब इसके बाद में आपको लोगो को थोड़ा सा ऊपर कर लेना है फ्लैश के साइड के, मतलब फ्लैश के बराबर कर लेना है और कुछ इस प्रकार से आपको देखना है कि क्या अच्छा लग रहा है। तो कुछ इस प्रकार से भाई आपका लोगो जो इंट्रो है वो भाई प्ले हो रहा है। और सिंपल सा आपको थोड़ा सा देख लेना है कि जहाँ पर भाई लोगो अगर छोटा है तो उसे थोड़ा बड़ा कर लेना है। तो यहाँ पर भाई आप देख सकते हो कि लोगो थोड़ा छोटा लग रहा है, तो फिलहाल थोड़ा इसे बड़ा कर लेते हैं। और बड़ा करने के बाद में एक बार और प्ले करते हैं। सो गाइस, अब लोगो एकदम अच्छे तरह से प्ले हो रहा है। अब सिंपल सा आपको यहाँ पर वापस क्या करना है कि जहाँ पर आपको लोगो है जस्ट उसके नीचे आपको अपने चैनल का नाम लिखना है, क्योंकि अगर भाई किसी के लोगो में अपने चैनल का नाम नहीं होता है, सिंपल सा एक आइकन होता है, तो भाई वो अपने चैनल का नाम लिख सकता है। तो इसके लिए भाई यहाँ पर चैनल का नाम आप लोगों को लिख लेना है। अब चैनल के लिए भाई फॉन्ट एक अच्छी चीज़ होती है जिसमें चैनल के नेम को एक स्टाइलिश नाम देती है। तो थोड़ा सा एडिट कर लेना आप अपने अनुसार। तो यहाँ पर भाई थोड़ा एडिट मैं आपको करना बताऊँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि शेडो के ऑप्शन पे आकर भाई आप इसे कलर ग्रेडिएंट कर सकते हो। जहाँ पर भाई आप बैकग्राउंड में कलर देखकर इंट्रो को जो टेक्स्ट है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तो भाई आप लोगों को देख लेना इतना सा थोड़ा, और फिर इसे जस्ट आपके लोगो के नीचे ऐड करना है और कुछ इस प्रकार से सेट कर देना है। ओके, सेट करने के बाद में भाई मेरा इंट्रो जो मेरा टेक्स्ट है वो इधर उधर हो जाए तो थोड़ा देख लेना। और एक एनिमेशन दे रहा है आपको उसमें अच्छा सा जो आपके इंट्रो पे जम सके, और तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। तो एक एनिमेशन तो पॉप डाउन वाला एनिमेशन काफ़ी इस पर अच्छा लग रहा है, तो इसकी सेकंड रख लेनी है आपको 0.5। और एक बार प्ले करते हैं तो कुछ इस प्रकार से भाई रिवल हो रहा है इंट्रो का, तो काफ़ी स्मूथ लग रहा है। अब सिंपल सा वापस आपको क्या करना है कि जहाँ पर भाई आपने अपना टेक्स्ट लगाया था वहाँ पर भाई आपको एक स्टिकर ऐड करना है। तो सिंपल सा स्टिकर का नाम है इन्फिनिट ब्राइटनेस वाला, आपको स्टिकर मिल जाएगा। सिंपल सा आपको इसे डाउनलोड कर लेना है स्टोर से और यहाँ पर एक कुछ इस प्रकार की टेम्पलेट ऐड कर देनी है इसमें से। और ऐड करने के बाद में सिंपल सा आपको क्या करना है कि जहाँ पर भाई आपका टेक्स्ट है उसके जस्ट नीचे आपको सेट करना है। तो आपको इसे बड़ा कर लेना है, अपने फुल स्क्रीन कर लेना है और कुछ टेक्स्ट के नीचे इसे सेट करना है। तो मैं इसे थोड़ा सेट कर लेता हूँ। तो अब एक बार इंट्रो को प्ले करके देखते हैं। कुछ इस प्रकार से आपका इंट्रो बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि जो भाई लाइन थी हमारी जो ब्राइटनेस के, मतलब जो टेक्स्ट के नीचे है वो भाई थोड़ी सी टेक्स्ट के ऊपर है, उसको आपको जस्ट थोड़ा सा नीचे कर लेना है और टेक्स्ट के मतलब जो किनारों पे रखना है आपको उसे, तो थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से सेट हो जाएगा और आपका इंट्रो एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो सिंपल सा आपका इंट्रो बन चुका है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। और सबसे पहली बात यह है कि भाई अब इंट्रो बनाने के साथ में अब भाई इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं उनको भाई रिमूव कर देना है और सिंपल सा आपको भाई अपनी गैलरी में सेव कर लेना है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अनदर वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।